हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ टेस्टिंग Xiaomi Pad 6 पीक परफॉर्मेंस। आज के परफॉर्मेंस टेस्ट में हम वो गेम खेलने वाले हैं जिसकी डिमांड मेरे को सबसे ज़्यादा आ रही थी, या कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन। सो हियर वी आर इन कॉल ऑफ ड्यूटी वॉर जोन। क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो मेरे को कुछ दिनों का ब्रेक लेना पड़ा इसके लिए, ताकि मैं अच्छे से इसको खेल के सेंसिटिविटी सब कुछ समझ के देन मैं आगे कंटिन्यू करूँ उसका रिव्यू। क्योंकि इसकी ग्राफिक क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो है, काफ़ी ज़्यादा लो है। इसकी ग्राफिक क्वालिटी बस दो ही अवेलेबल है, वेरी लो एंड लो। उसके अलावा FPS इस पे अनकैप्ड मिलते हैं, वो आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा इसकी ग्राफिक्स को ऑप्टिमाइज करने में मेरे को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, बट मैं आपको जल्दी समझा दूंगा। सो ओके, वी आर फाइनली इन आवर वॉर जोन मोबाइल। तो मैं सबसे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा दूँ। ग्राफिक्स इसके हैं, मैंने हायर ग्राफिक डिटेल पे इसलिए लगा के रखा है ताकि मेरे को बेस्ट क्वालिटी मिले, जो कि इसमें काफ़ी कम मिलती है। वैसे मोस्टली मैं कस्टम यूज़ करता हूँ, रिव्यू से पहले मैं कस्टम यूज़ कर रहा था तो बट फॉर द रिव्यू मैं बता दूँ, जिनको जिनका लो एंड डिवाइस है बहुत जल्दी हीट होता है, उनके लिए मैं बेस्ट यही कहूँगा कि आप टेम्परेचर एंड बैटरी भी सेट रखो, ताकि आपका मोबाइल हीट ज़्यादा ना करे एंड बचा रहे बस, क्योंकि ये गेम की वजह से मोबाइल्स बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं, मैं पहले बता दूँगी। उसके अलावा मैं यूज़ करता हूँ हायर ग्राफिक डिटेल, क्योंकि इसमें मेरे को अच्छे विजुअल्स मिल जाते हैं, तो अच्छे ग्राफिक्स मिल जाते हैं, तो मैं वही यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको विजुअल क्वालिटी दिखा दूँ, उसकी विजुअल क्वालिटी इसकी लो एंड वेरी लो पे है, बाकी मेरा स्नैपड्रैगन 870 कैपेबल तो है ही। ऑन एवरेज इसका हाईएस्ट ग्राफिक डिटेल पे मेरे को 80 से 100 FPS तक मिलते हैं अनकैप्ड में, 80 से 100 एवरेज। मैक्सिमम ये 144 FPS तक जाता है, ऊपर उसके ऊपर भी जाता है वैसे, बट एवरेज में बता रहा हूँ। एंड अगर मैं थोड़ा ग्राफिक्स लो कर दूँ तो उस पर प्रॉपर 144 प्लस जाते हैं FPS इसके। तो शुरू करते हैं अपने रिव्यू को, एंड इसी रिव्यू के बीच में आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन के ग्राफिक्स ऑप्टिमाइज कर सकते हो और बेटर कर सकते हो कि और अच्छी डिटेल्स मिले, तो वो आपको वीडियो के बीच में मिल जाएगा। तो या तो शुरू करते हैं अपने परफॉर्मेंस टेस्ट को ऑन Xiaomi Pad 6। तो हमको इसमें मल्टीपल गेम मोड्स मिलते हैं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे सबसे पहले हम शुरू करते हैं Mi 24/7 से। ओके, तो या बहुत टाइम लगा था ये। लेट्स प्ले डोमिनेशन। बाय द वे, जब तक हम वेट कर रहे हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप चैनल पे नहीं हो, तो हम ऐसे ही रिव्यूज एंड बढ़िया बढ़िया गेम प्लेज, रिएक्शन वीडियोज, अच्छे सब कुछ लेके आएंगे। I will use shotgun and sword because sword काफी पसंद है। ओहो क्या हो रहा है, एकदम से इसमें ना वो तहलका मच जाता है। गन स्विच नहीं कर रहे हैं। क्या हो रहा है ये, वो भी मेरे जैसा, मैं भी वैसा ही। शॉट ही लग रहा है, मैं बंदे के बीच में घुस जाता हूँ, बट मेरे को कहाँ जा रहा हूँ मैं। ए आई नो, मेरा एम बहुत गंदा है, मार रहा था। लगा ये मेरी जायरोस्कोप चल नहीं रहा अच्छे से, मेरा जायरोस्कोप काम नहीं कर रहा, इसमें काफी कम है, कल ही सेट किया मैंने पूरा, बार बार इसमें बार बार जायरोस्कोप खराब होता है मेरा, पता नहीं कैसे। ये मारा मैंने। अब मार रहा हूँ मैं। रीलोड कर रहा था यार, पीछे से मार के। Yeah, we won. Yes, last game मेरा।
चुक ठीक है जो भी है। एंड मैं बता देता हूँ कि ग्राफिक्स ऑप्टिमाइज कैसे करनी ताकि आपको बेटर से बेटर ग्राफिक क्वालिटी मिले। उसके तीन सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, ग्राफिक क्वालिटी जितनी हाई हो सके उतनी हाई रखो, वो तो सो ऑब्वियस ही चीज़ है। बट अगर आपको इसकी ग्राफिक्स और ऑप्टिमाइज करने हैं, बेटर करने हैं, उसके लिए आपको जो भी इसकी अकेले के लिए गन स्किन्स हैं, अकेले के लिए जो करेक्टर्स हैं ना, उस पर जाके ऐसे खोलना पड़ेगा ताकि ये स्ट्रीम कर ले उसको। इस स्ट्रीमिंग से होता है कि जो डिटेल्स है गन्स की, वो जो डिटेल्स है वो लोड हो जाती है। अभी आप खेल रहे हो, वो डिटेल्स लोड नहीं हुई। जब वो डिटेल्स लोड नहीं होगी तो आपके गेम ऐसे ब्लरी एंड तो स्ट्रीमिंग करना ज़रूरी इसलिए कि जो भी आपकी डिटेल्स हैं आपके करेक्टर्स की एंड आपकी गन स्किन्स की डिटेल्स हैं, वो उससे ऑप्टिमाइज हो जाती है, बेटर डिटेल्स आ जाती है। इस तरह से आप अपने ग्राफिक क्वालिटी को ज़रा बढ़ा सकते हो। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि आपकी जो डिवाइस है वो ज़्यादा हीट ना करे। अगर ज़्यादा हीट करेगा एंड आपका डिवाइस 25 FPS से नीचे जाएगा तो आपके ग्राफिक क्वालिटी और ज़्यादा गिर जाएगी। आपका डिवाइस 25 FPS से नीचे जाता है तो आपके ग्राफिक्स गिर जाएंगे, ग्राफिक क्वालिटी लो से वेरी लो हो जाएगी एंड ऑब्वियसली फिर वो ब्लरी एंड गंदा सा क्वालिटी आएगा। अवॉइड करने के लिए आप फोन को फोन कूलर यूज़ कर सकते हो, मोबाइल को ठंडा रख सकते हो, या ठंडे रूम में एसी वाले रूम में बैठ के आराम से खेलो। मेरा तो टैबलेट है, चलो मेरा वो हीट नहीं करता तो मेरे को इतनी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते मैं शिपमेंट की ओर। शिपमेंट में बहुत ज़रा हल्के वाला मैच होता है, ये छोटा मैप है, 12 players हैं, बस घुसे रहते हैं एक दूसरे के बीच में, वही चीज़ हम एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। मैं FOV 120 रख रहा हूँ ताकि सारा साइड का भी दिखे मेरे को, एंड इसको अनकैप कर देता हूँ मैं। बाकी लुकिंग फॉर वन मोर प्लेयर, जस्ट वन मोर प्लेयर लेफ्ट। एज आई सेड, बहुत टाइम लगाता है ये। जितनी इस गेम की हाइप थी कि लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन आ रही है, काफ़ी ज़रा बढ़िया होगी, ये वो सब नहीं था। इतना कुछ खास लाइक मज़ा नहीं आया मेरे को खेलने में। स्वॉर्ड यूज करने वाले ये चीज, अरे यार मार दिया किसी ने यार। मारा ही नहीं उसने, फाइनली उसके लिए मरना मजबूर था मेरे को। Error. Let's try Mobile Royale now. Battle Royale, classic match. इतनी hyped गेम के लिए low graphics, I don't think worth it है। एक और गेम suggested है मेरे को, वो मैं बता रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ गेम की। क्लासिक में लाइक ग्राफिक्स देख सकते हो आप, ये इसकी मैक्स ग्राफिक्स हैं, देख रहे हो, ये इसके मैक्स ग्राफिक्स है इस टाइम। I will let someone else. Okay. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Okay, ये warm up match था वैसे. अभी ये real match begin. Now the real match begins. आ जाओ बच्चा बाटी, side वाले चलते हैं मोबाइल रॉयल के ग्राउंड में। ये राउंड में अनफॉलो भी कर सकते हैं।
ओके लैंड 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 जोन बन भी गया पहले ही उतरते ही और भी काफी लोग उतर रहे हैं साथ में मजा आएगा। अच्छा भाई इसने खोल दिया मैं खोल भी नहीं रहा इसको पैराशूट को। ओके करने तो ट्रैक उनको टीममेट मेरा मर भी गया अरे यार सेंसिटिविटी फिर खराब होगी इसकी। ओके ये इन्होंने मेरे को फेंक दिया अंडरग्राउंड जो भी है। इफ यू सर्वाइव यू अर्न योर फ्रीडम टू रिटर्न टू द फ्रंट लाइन बट इफ यू लूज यू आर डन। गॉट इट इसकी सेंसिटिविटी बहुत बार खराब हुई मेरी जब से मैंने गेम डाउनलोड किया कम से कम मैंने इसकी लाइक 10 बार सेंसिटिविटी चेंज की है हर बार सेंसिटिविटी खराब हो जाती है इसकी अपने आप ही पता नहीं क्या इशू है हर बार सेंसिटिविटी खराब होती है इसकी अपने आप ही। अब शायद ठीक हो ये पता नहीं क्या इसके ग्लिचेस हैं। कड़क अगर पैराशूट ना खोलूँ मैं तो ध्यान रखना पैराशूट जरूर खोलना अपना। अभी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी मेरे से। वी आर बैक करेक्टर मस्त है उसका लोग अच्छा पैसा लगाते हैं इस पर भी। हम दो ही हैं बस आओ हम दो ही हैं बस। व्हाट मार रहा भाई मेरे को कोई तो बचा भाई कौन है हाँ, मार ले फिर से फेंक दे नीचे मेरे को सेम गन से नहीं मेरे को ऊपर से अटक रहा है टेलीस्कोप उसका Where are you, boy? क्यों भाई क्यों कैसे कितना मारा उसको मैंने क्या है ये Another try. जब तक मैच शुरू होता है तब तक एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं तो हाईएस्ट ग्राफिक्स में परफॉर्मेंस काफी अच्छी है ना हाईएस्ट ग्राफिक्स पे भी देखने में ये लोग प्लेएबल है बट लोएस्ट ग्राफिक्स इसके वी आर बैक We are back again. अभी पता नहीं सेंसिटिविटी कैसी होगी आई एम द थर्ड वन नाउ पहले फर्स्ट था फिर सेकेंड आया अब थर्ड आ रहा हूँ ये करने का अलग ही मजा है ऊपर से आ रहा दो एनिमीज आ रहे हैं वन डाउन बहुत डेड क्या कोई तो मार रहा भाई अरे मारना भाई क्या हो रहा है ये पीछे से मार गया क्या अटक गया मैं यहाँ पे
टीममेट्स मेरे क्या कर रहे हैं भाई, बचाओ ना आगे। क्या टीममेट्स है बे, वहां पे मुंह देख रहे खड़े हो, कम से कम आगे तो आओ मारने के लिए। क्या भाई ये फायर ही नहीं कर रहा, इसने फायर ही नहीं किया, इसने फायर ही नहीं किया। मैं खेल नहीं रहा, खेलने में ठीक है बट क्वालिटी, परफॉर्मेंस में ठीक है बट क्वालिटी इसकी काफ़ी बेकार सी है। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा नहीं, ऑल दो अगर आपको मेरी तरह गुस्सा करना गेम पे एंड ये सब करना तो ज़रूर खेलो। क्वालिटी वाइज बेकार है बट परफॉर्मेंस पे भी ठीक है, इसकी ग्राफिक्स काफ़ी बेकार लगते हैं मेरे को, इसके ऊपर से बड़े डिवाइस में खेलना और भी ज़्यादा इशू हो जाता है। तो मैं Xiaomi Pad 6 को बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप Warzone के लिए खरीदो, तो Warzone के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा Xiaomi Pad 6 को, क्योंकि क्वालिटी वाइज बेकार है, परफॉर्मेंस पे भी ठीक ठाक है, खेल सकते हो आप अगर आपको गुस्सा करना है या टैब को तोड़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो ज़रूर खेलो, मैं मना नहीं करूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट में। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड कोई की गेम रिकमेंड करनी हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में रिकमेंड कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट परफॉर्मेंस टेस्ट में, तब तक के लिए बाय।